गुप्ता की रिपोर्ट। भारत में सांप पकड़ने वाले लाखों हैं, पर सांप को पकड़कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ने वाले कम ही मिलते हैं। साथ ही अगर कोई घायल हुआ मरणासन्न सांप मिले तो उसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कर उसका जीवन बचाकर उन्हें जीवित व स्वस्थ कर उसे जंगल में छोड़ने वाला यह अद्भुत कार्य केवल एक समाज सेवी ही कर सकता है। नगर के समाज सेवी राम निवास दाऊ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बेटमा जिला इंदौर में है यह अद्भुत कला। दाऊ ने अभी तक 48 खतरनाक जानलेवा सांपों का इलाज कर अपनी जान जोखिम में डालकर लेप लगाकर पट्टी बांध ड्रेसिंग कर उन्हें जंगलों में छोड़ा है, वो भी निशुल्क। बेटमा व आसपास के गांव में कहीं सांप निकलता है तो दाऊ जी को ही फोन आते हैं। वे अपने साजो सामान के साथ वहां पहुंचते हैं और अपना काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें कई मंचों से सम्मानित भी किया जा चुका है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये बेटमा कस्तूरबा गांधी छात्रावास विद्यालय है, यहाँ गरीब की बच्चियाँ पढ़ती है। और अभी मुझे फोन आया कि कमरे के अंदर एक गहरी नागिन निकली है। मैं वैसे ही अपने दोस्त को लेकर के अपना शिकंजा लेके यहाँ पे आया। नागिन को देखा, वो काफ़ी उड़ रही थी, उछल रही थी, वो काफ़ी जहरीली थी। उसे पकड़ के बोरे में भर के जंगल में छोड़ के आया हूँ। इस तरह ये जो आज की नागिन सहित मैंने 1,084 सांप अभी तक पकड़ लिए हैं इस नगर में, आसपास के क्षेत्र में। मैं बाहर भी जाता हूँ पकड़ने के लिए, जब भी मुझे फ़ोन आता है और निःशुल्क पकड़ता हूँ। किसी से आज तक मैंने पैसा नहीं लिया। और नगर और आसपास के जितने भी स्कूल हैं, लगभग सभी स्कूलों में मैं नाग और जहरीले सांप पकड़ चुका हूँ और बच्चे बच्चियों की सुरक्षा कर चुका हूँ लगातार। ये मेरा 10वां साल है, 10 साल से मैं लगातार ये सांप निःशुल्क पकड़ रहा हूँ और दूर जंगल में छोड़ के आता हूँ। साथ ही सांप अगर घायल हो जाते हैं तो उनका पूरा आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करता हूँ, पट्टी बांधता हूँ और उन्हें जीवित करके वापस जंगल में छोड़ता हूँ। ये जो है मैं पिछले 10 सालों से लगातार कर रहा हूँ। आपका नाम? मैं रामनिवास दाऊ बेटमा